लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो सबसे पहले मुबारक टू माय ऑल मुस्लिम ब्रदर्स तो आज के स्टूडियो में हम सीखेंगे कैपकट आज से हम कैपकट भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आज ट्यूटोरियल में आपको देने जा रहा जाऊंगा इसके ट्यूटोरियल ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है बट मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ पता सीन क्या है यूट्यूब पे इस चीज के टूटोरियल ऑलरेडी अवेलेबल है बट द थिंग इज कि इसको किसी ने ठीक तरीके से समझाया ही नहीं है मतलब वीडियो चल रही है बैकग्राउंड में एक म्यूजिक प्ले हो रहा है और जो क्रिएटर है वो एडिटिंग कर रहा है and that's it. तो इस तरह किसी को भी समझ नहीं आती स्पेशली जो एक न्यू क्रिएटर होता है उसको उसको स्पेशली उसको तो बिल्कुल नहीं आती ठीक है तो मैं आज आपको ये चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा इजी करके मैं आपको सिखाऊंगा काफी डिटेल में सिखाऊंगा एंड इसके रिजल्ट काफी अमेजिंग होते हैं ट्रस्ट मी काफ़ी अमेजिंग होते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस वीडियो का लिंक दिया होगा आपने सिंपली इसको इंस्टॉल करके कैपकट में आपने ओपन करना है उसके बाद आपने यहाँ जाना है एडजस्टमेंट में कर्ज यानी अब आपने क्या करना है कि आपने ऐसे हर एक कर्व जो आपको नजर आएगी जितनी भी है आपने सबको ऑपोजिट कर देना है ठीक है आपने इन सब को इन्वर्ट कर देना है रेड चैनल में भी ग्रीन चैनल में भी ठीक है एंड एज वेल एज ब्लू भी ठीक है आपने इन सबको ऑपोजिट कर देना है एक बार आपका ये हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जाना है इफेक्ट्स के सेक्शन में यहाँ से आपने क्लिक करना है वीडियो इफेक्ट्स लेंस एंड यहां से आपने सेलेक्ट करना है ब्लर इफेक्ट ठीक है आप यहाँ पे फाइन करें आपको मिल जाएगा ब्लर इफेक्ट लेके टाइम लाइन पे पूरा रखे ओपेसिटी फुल एंड उसके बाद आपने क्या करना है आपने इसको है, आपने कर देना है एक्सपोर्ट एक्सपोर्टी माइंड में याद रखना ठीक है एक बार एक्सपोर्ट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है आपने इसको कैंसिल करना है इफेक्ट को आपने डिलीट कर देना है वीडियो पे क्लिक करना है ठीक है एंड आपने जाना है एडजस्टमेंट में कर्व्स एंड आपने यहाँ से इसको रीसेट कर देना है ठीक है रीसेट कर दिया उसके बाद आपने जाना उस फोल्डर में जहाँ पे आपने वीडियो एक्सपोर्ट की थी आपने उस वीडियो को इंपोर्ट करना है आपने इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ब्लेंड मोड देखें ब्लेंडिंग होगी यहाँ से आपने इसकी ब्लेंडिंग सेलेक्ट करनी है कलर बर्न ठीक है एंड आपने इसकी यहाँ पे ओपेसिटी रख देनी है ऑलमोस्ट थर्टी फाइव परसेंट ठीक है थर्टी फाइव परसेंट हो गया उसके बाद आपने क्या करना है आपने जाना लाइब्रेरी में एंड यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है एक वाइट बैकग्राउंड ठीक है एंड यहाँ से आपने इसको कर देना है फ्रीज आपने लेफ्ट एंड राइट दोनों को डिलीट कर देना है एंड उसके बाद आपके पास एक्सटेंड हो जाएगा ठीक है उससे पहले एक्सटेंड नहीं होगा एंड यहाँ से आपने इसकी लैंड मोड कर देनी है ओवर ले एंड यहाँ से आपकी इसकी पैसा रख सकते हो सेवेंटी परसेंट ऑलमोस्ट ठीक है इतना हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है अपनी मेन वीडियो पे क्लिक करनी है जो सबसे पहले हमने बोर्ड की थी एडजस्टमेंट में जाना है एंड अभी हमने इसकी करनी है कलर करेक्शन सैचुरेशन आप कर लो ट्वेंटी परसेंट एंड यहाँ से आप मेरी सेटिंग्स कॉपी कर सकते हो आप अगर चाहो आप अपनी मर्जी की भी सेटिंग कर सकते हो इट्स अप टू यू हर वीडियो के लिए सेटिंग अलग होती है ठीक है इट्स सेम जैसे कि हम फोटोशॉप में कैमरा और फिल्टर यूज करते हैं ये सेम वही चीज है ठीक है आप में देखो आप यहाँ से मेरी सेटिंग्स कॉपी कर सकते हो एच एस एल में जाके आपने यहाँ से रेड वाले सेक्शन का जो सेचुरेशन है आपने वो भी चेंज करना है ठीक है इतना हो जाए आपकी वीडियो रेडी है सिंपली आपने इसको एक्सपोर्ट करना है किसी भी फोल्डर में सिक्सटी एफ पी एस याद रखना एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट